दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की प्रेसिडेंट पद पर जीत होने की खुशी में मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शासकीय तिलक कॉलेज में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया, जहां एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने बड़ी जीत दर्ज की है। एनएसयूआई ने प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की। एबीवीपी का 4 साल का प्रेसिडेंट पद पर कब्जा खत्म हुआ। 2017 के बाद एनएसयूआई की ये बड़ी वापसी है। कम वोटिंग के बावजूद एनएसयूआई ने जीत हासिल कर रौनक खत्री डीयूएसयू के नए प्रेसिडेंट बने हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में भी आगामी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जीत तय है। बीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज जश्न मनाया गया है, किस चीज का जश्न मनाया गया है? भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसका एनएसयूआई कटनी द्वारा तिलक कॉलेज में छात्रों को पटाखे फोड़कर मिठाई खिला करके हमने ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया है। एनएसयूआई हमेशा निरंतर छात्रों के हित में लड़ाई लड़ती रही है और हमेशा छात्रों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।